नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। बारा जिले के हरनावदा शाहजी में रोड की खस्ताहाल से आमजन परेशान है। कस्बे के व्यापारी संघ ने उप तहसील एवं पुलिस थाने में थाना अधिकारियों को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की। कस्बे में पिछले 10 वर्षों से रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहां से सैकड़ों वाहन गुजरते हैं जिससे धूल उड़ती है। इस कारण यहां सबसे ज्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हो रहा है। विवेकानंद सर्किल से बस स्टैंड नाला तक रोड जीवनदान पाने को लेकर आंसू बहा रही है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि कई बार प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि नेता सभी को सड़क बनाने को लेकर गुहार लगाई जा चुकी है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाली पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान व्यापारी संघ मंत्री गौतम अनिल शर्मा, हंसराज नागर, घनश्याम प्रवीण कुमार, दिनेश चक्रधारी, अविनाश भवरलाल नागर, महेंद्र पारिता समेत कस्बे के कई व्यापारी मौजूद रहे। पिछले कई दशकों से हमारे यहाँ पे रोड खराब है, विवेकानंद सर्किल से लेके और नाले तक। इसकी हालत ऐसी है जैसे कि बिल्कुल एकदम सिर पे बाल नहीं होते उसके जैसी, और यहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी मात्रा में होती है। इसकी वजह से व्यापारियों को बहुत परेशानी है। वाहन चलते हैं तो पत्थर उड़ उड़ वाहन चलने पर और पत्थर जैसे कि बंदूक की गोली से निकला है ऐसे आके दुकानदार के सिर पे लगते कभी कोई दुर्घटना हुई है? हाँ, बहुत सी बार हो गई, बहुत सी बार लगी है लोगों के, बहुत सी बार दुकानों के शीशे टूट गए। जो ग्लास लगे हुए हैं दुकानों पे वो कई बार टूट गए हैं। बस हम ये चाहते हैं रोड अगर नहीं बनता है तो आप क्या करोगे? आंदोलन करेंगे, हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, हमारे परिवार और मिलने वालों सहित मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। सभी को इसके लिए जागृत करेंगे, कोई वोट नहीं करें।